चल रही ना। आ जल्दी से आ जल्दी, नोटबुक लेकर आऊं। वो तो भर गई जो वाइफ वाली घर की वो। ओके स्टार्ट करें राइटिंग। यस आपने अपनी नोटबुक ले लिया, पेंसिलें लिए हो? हाँ चलिए आज हम आपको कर्सिव राइटिंग बताएंगे, आपको अभी बनाना है हमारे साथ। ओके नाउ स्टार्ट। उठाओ किताब जल्दी, नहीं तो बाद में खाना। ओके नाउ स्टार्ट। फर्स्ट लेटर, चलो इंग्लिश राइटिंग करनी है। ए लिखे इन कर्सिव। एक लाइन छोड़ दो यहाँ से, करो लिखिए। प्रेरणा लिखना स्टार्ट करिए। ए लिखिए, ये लिख लिया आपने। बी लिखिए। ए से क्या होता है? ए फॉर एप्पल और एरो। बी से क्या होता है? बी से बॉल, बैट, बस, बॉक्स। ओके शो मी योर नोटबुक, दिखाइए जरा आपने लिखा। नोटबुक दिखाओ आराध्या, लिख लिया आपने? मैं भी लिख रही हूँ। हाँ वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा लिखा है, अच्छे से नहीं लिखा। चलिए अब सी बनाते हैं। हाँ वेरी गुड, सी बनाइए। C for cat, C for car, C for cow, for camel, Maria Gitti. Yes, see me here. Hello. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हमारी साइड। आपके में नेटवर्क इशू होगा, बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देखिए म्यूट तो नहीं किया आपने? आपका माइक म्यूट होगा। अब डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डक, डी फॉर डोंकी, फॉर डोंकी D for doll. D for doll. You will also Hello. read. जानवी आप लिख रहे हो? यस मैम। डी के बाद ई लिखना है। मुझे सर्दी हो गई बड़ी भयंकर। ई, ई फॉर एलिफेंट,
फॉर ईयर, ई फॉर एल्बो, ई फॉर आई, यस म्यूट में कर, अरे मैं तो इसे, हेलो, यस बोलिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक, तो हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क नहीं होगा, सब बच्चों को तो आ रही है, सामने में नहीं आ रही, आप छत में लेकर बैठे हो लगता, सब बच्चों को आवाज सुनाई दे रही है, टेकिंग यस ई के बाद एफ लिखिए, अनम्यूटेड है, म्यूट किए हो पता नहीं जहां से किए, एफ फोर लाइन में होगा, 1 2 3 4 फोर लाइन में आपको एफ बनाना है, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फ्रॉग, F for frog. F for line. F for finger. सुबह नहीं आ रही थी बना दी. F fish. प्रेरणा लिखना शुरू करो, पेंसिल को खाना नहीं है. मैम की आवाज जा ही नहीं रही हमारी, आवाज नहीं आ रही आपको, बोर्ड में दिख रहा है, और आ गया, और आ गया, सामने रखे बाद जी फॉर गर्ल, जी फॉर गर्ल, G for goat, सही लाइन, ये लाइन कितनी लाइन, सही गाना गया ही ना, रुकना वहीं से उत्तर, हेलो मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, सबको आ रही है, क्या किया जाए, धीमी आ रही है बहुत, धीमी आ रही है मैम, बोर्ड दिख रहा है आपको, हाँ हाँ हाँ, तो आप बोर्ड से देखकर लिखवाइए बच्चे को पहले, हाँ चलिए बोर्ड से देख के लिखते जाते हैं, क्या होता है बताइए, मैम बोली है अभी कि बोर्ड से आओ, अच्छा जी के बाद क्या आता है बताइए, अरे भगवान फॉर हॉर्स, बुक ले गया, H for hat, H for chair, ABCD ya likha hua hai, bolna jo bolna hai, chal idhar bhai, jo puchho wo baith raha, kya bolna, baith na, तुम्हारी
सच की बात कहता है नेक्स्ट है जी बोले तुम भी बोलो मुझसे J for jungle. प्रेरणा नहीं लिख रही हो प्रेरणा लिखाओ आपको भी राइटिंग करनी है नीचे की तीन लाइन आवाज आ रही है वैसे कि मैम बोल रही है तो बोलो तुम पकड़ो मोबाइल हम बता रहे हैं वो पकड़ो मोबाइल पकड़ो फोटो दिखाओ तभी तो बोलोगे क्या बोल रहे हैं के फॉर काइट के फॉर कोयल के फॉर क्या बोल रही है इसमें तुम देखो मम्मी को ना देखो फॉर क्रो फोटो अपने दिखाओ मोबाइल में देखो K for kite. आरोही पढ़ रही हो? K for coil. हाँ. K for crow. तो जो जो कुछ बोले वो उसी से मार आराध्या लिख लिया वेरी गुड के हो क्या के बाद नेक्स्ट क्या है के बाद क्या आता है कौन सा लेटर आता है एल वेरी गुड एल L for lawyer. L for और क्या होता है? L for L. lemon. L for dog. Dog की बैट. L लिखो L. L. L for leg. L for light. L for lamb. L से कितने वर्ड्स बन रहे हैं देख सुन. L का है. लिखिए L for log. L for log. लेमन बोलना भी है आपको बोल के लिखना लेमन हाँ लॉग लेग
कैपिटल है, स्मॉल वाला निकाल, लाइन वाला ऐसे करो सुबह को रखो बैग में, वही रखो बैग में। कल के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट लेटर कौन सा है? एम, एम, वेरी गुड। एल के बाद एम, एम ना, एल देखो ये है एल, एम फॉर मैंगो। आपको ऐसे एम लिखना है, एम फॉर मैंगो तुम्हें, हमको नहीं बोलना है, तेरी फोटो पूरी जा रही है। एल फॉर मंकी, एल फॉर मंकी, एम फॉर मोबाइल, एम फॉर मोबाइल, हाँ एम फॉर मोबाइल, क्या क्या होता है, मनी मंकी मोबाइल, ओके बोलो। अच्छा मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, बोलो ना बताएंगे। बेटा हम जोर से बोल रहे हैं, मैम मेरा क्लंपी क्लंपी कंप्लीट हो गया, म्यूट हो गया है आपका, आप देखिए माइक म्यूट किए हो। पांडे कौन है, शुभव्रत पांडे, आपका माइक म्यूट है, हाँ इसलिए नहीं सुनाई दे रहा, आवाज रही आवाज, हाँ वेरी गुड। एम के बाद क्या आएगा, एम के बाद क्या आएगा, बोलो तेजी से बोलो, मैम एम, हाँ एम, एम के बाद एम, एम फॉर, एम फॉर क्या होता है, नेस नेल, एम फॉर नेल नेस, एम फॉर नेस, और ना से बताओ इनसे क्या आएगा, एम फॉर नेल, एम फॉर नेस, और बताइए एम फॉर और क्या आएगा, नेस्ट, नेस्ट, हाँ नेक्स्ट तो क्या है और बताओ, नेक्स्ट बता दीजिए, नोज, अब मैम ना नील, एम फॉर ना, एम फॉर नेट, नोज मैम ना, नट, नट होता है, एम फॉर पता कि एन से क्या आ रहा है, नोज की स्पेलिंग थोड़ी ना जोड़ते हैं, एम फॉर नट, एम फॉर नॉट, पकड़ो तो ये हम तुमको सब लिखा आ रहा है, चलो एन के पूरा ए से जेड तक लिखो, एन, एन हो गया, एन के वे भी, हां एन से ये, एन से वे लिख लिया, एन के बाद क्या आएगा, इसे हटा दो, ओ ओ ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑफ, ओ फॉर आउल, इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो, जहाँ पढ़ा रही लिखो ना, देखो ओ फॉर ऑरेंज, ओ अच्छे से रिप्लाई भी,
अच्छा सुनो, अच्छा नहीं बोलना है तो सुनो, फिर तुम जाओ तुम्हारा। इसके बाद ऐसे सुनाई दे रहा, दिमाग इस पे लगा रहो पकड़ के। ओ फॉर ऑयल, इस तरह से। ओके बाद क्या आता है? ओके बाद क्या आएगा? ऑयल मींस तेल। ओके बाद बताइए आराध्या। वेरी गुड। ओके बाद जैसे पूछ रही थी कि अब इसके बाद क्या रहा, तो तुम नहीं जानते हैं एबीसीडी। और पैर ये सब बोलो। पी फॉर पिज़्ज़ा, पैन, पी फॉर पीस, पहले पी फॉर पीनट, पी फॉर पैन, पैन फॉर वेरी गुड। क्या क्या बनता है बोलो जल्दी जल्दी। वेरी गुड। पी फॉर पैरेट, बोलो ना पी से पैरेट। पी फॉर पिज़्ज़ा, पतंग। पी फॉर पीनट, इसको देख पहले। पी फॉर पीनट, पी फॉर पी, ओके। पपाया, हाँ वेरी गुड। पी के बाद क्या आएगा? पी के बाद क्या? पी के बाद क्या आएगा? बोलो ना उससे। क्यों बोलो ना मोबाइल मैम। क्यों? क्यों फॉर, क्यों फॉर क्वीन, क्यों फॉर क्यों, क्यों फॉर मैम। ऐसे बोलिए इस तरह से। आगे नहीं लिखो वहाँ पे मारेंगे, हम मारेंगे था पढ़े। अगर आगे आगे लिखा जब वो क्यू तक है तो क्यू तक ही लिखो, वो क्यू तक ही लिखो। ये इसको देखो वीडियो पे, आगे आगे चीटिंग करके लिख ले हुए वहाँ रिप्लाई नहीं देना है। हम क्यों बताएं? ये है क्यों? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आर 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 फॉर रैबिट, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रॉकेट, आर फॉर रॉकेट, आर फॉर रेनबो, आर फॉर रेड, आर फॉर रेनबो, आर फॉर रॉकेट। वेरी गुड। आर फॉर रेड रोज, आर फॉर रेड। हाँ अब नेक्स्ट क्या आएगा? आर के बाद क्या आएगा? हाँ वेरी गुड। आर के बाद एस, एस फॉर सन, एस फॉर क्या आता है? एस फॉर सन, वेरी गुड। बोलो S for, S for sunflower. Ma'am, sunflower. S for sunflower. Very good. S for snail. और इससे क्या आता है? S for snake. S for sheep. बोल. Sheep आता है? बोलो तुम तभी तो जाओगे. Ma'am, sheep. S for sim, S for soup, S पे है उसकी पर तुम क्या पहुँचे? S for soup, S for school, school को बहुत miss कर रहे हो ना, आने नहीं मिल रहा इसलिए, क्यों? इसीलिए स्कूल याद आ रहा है और स्कूल बच्चे परेशान है ना, इसीलिए टीचर भी परेशान है बच्चों के बिना। घर मोबाइल में नहीं पढ़ रहे, बोल रहे हैं कि स्कूल खुले तब पढ़ेंगे। हाँ वो देख रहा है ना सब बच्चों की यही हाल है।
चलो बोलो एस के बाद क्या आएगा बेटा नेक्स्ट क्या आएगा अरे एस एस के बाद फॉर प्लेंटी हाँ वेरी गुड टी फॉर टाइगर टी फॉर टाइगर हाँ हाँ बोलो 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 टी फॉर टाइगर हाँ टी फॉर ट्रेन वेरी गुड टाइगर टी फॉर टायर मानस बोलो टी फॉर ट्री टाइगर ट्री वेरी गुड वेरी गुड हाँ चलिए अब क्या आएगा टी के बाद क्या आएगा टी के बाद क्या आता है यू फॉर बोलो अम्ब्रेला बोलो ना तो मैम यू फॉर अम्ब्रेला हाँ यू फॉर अम्ब्रेला यू फॉर अम्ब्रेला ओके अब आपको यू तक प्रैक्टिस करना है यू फॉर अंकल समय समय यू फॉर अम्ब्रेला हाँ अब टाइम टाइम ओवर हो गया बेटा अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे इसके आगे ओके चलिए बाय करिए बाय सी यू बाय बच्चों बाय बाय वेरी गुड बाय